चलिए बढ़ते आगे। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, जिसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। ये एक तरह की मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर असामान्य तरीके से बहुत ज्यादा हो जाता है। ब्लड प्रेशर की ये स्थिति कई बार किसी तरीके से लक्षण नहीं दिखाती और अचानक से हार्ट अटैक पर की समस्या पैदा कर देती है। इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अगर हाइपरटेंशन को मैनेज करना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ब्लड प्रेशर का कौन सा स्टेज हाई होता है और कब हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक स्टेज पर पहुंच जाता है और कई बार डेथ जैसे रिस्क कारण भी बन जाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हाइपरटेंशन के पहले स्टेज के बारे में, तो इसमें दवाओं की जरूरत पड़ती है। साथ ही हाइपरटेंशन के पहले स्टेज को लाइफस्टाइल चेंज करके कंट्रोल किया जा सकता है और दूसरे हेल्थ रिस्क से भी बचा जा सकता है। वहीं हाइपरटेंशन का दूसरा स्टेज आता है, जिसमें हाइपरटेंशन का दूसरा स्टेज काफी खतरनाक होता है और इसमें ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक और हार्ट किडनी को खतरा रहता है। ऐसी स्थिति में फौरन दवाओं के माध्यम से कंट्रोल करने की जरूरत होती है। कैसे कंट्रोल रखें हाई ब्लड प्रेशर, इस पर भी जरा एक बार नजर डाल लेते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस कम करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज रोजाना करें, स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी बनाकर रखें। तो यहाँ पर आपको बता दें कि हाई ब्लड प्रेशर जो है इन दिनों काफ़ी गंभीर बीमारी बनती जा रही है और हर दूसरे इंसान जो है इस बीमारी से ग्रसित नज़र आ रहा है, जिसके चलते इस बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जा सके उसको लेकर हम आपको अभी जानकारी दे रहे हैं। बता दें कि रोज़ाना रेगुलर एक्सरसाइज करने से आप इस बीमारी से निजात ले सकते हैं और ऐसे में दवाओं का सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दवाओं का सेवन करना कहीं ना कहीं हानिकारक साबित होता है।